देखना पड़ता है यार, नहीं तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज दिखाऊंगा मॉल, जो जिस जिले में मैं रहता हूं उस जिले का सबसे बड़ा मॉल है, और इसका नाम भी है, इसका नाम है रियाद पार्क, और जिले का नाम भी रियाद है। दिखाऊंगा पार्किंग कैसा होता है, और पार्किंग में गाड़ी कैसे लगाते हैं, और गलत पार्किंग लगाने पे चालान कितना आता है। जितना नाम है ना इस मॉल का, उतना ही इसका दाम भी है। बहुत महंगा सामान मिलता है इसमें, कोई सा भी सामान लीजिए डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो सऊदी होता है ना, सऊदी ज़्यादा इसमें शॉपिंग करते हैं, खारजी तो शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि बहुत सामान महंगा मिलता है। तो सऊदी सब इसमें शॉपिंग करते हैं, तो सऊदी सबको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना भी महंगा है, वो तो उनको तो ख़रीदना है तो ख़रीदना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन खारजी जो होते हैं ना, उनको फ़र्क पड़ता है। तो हम दिखाएंगे आज पार्किंग कैसा होता है। देखो भाई, ये सेल्फी ले रहा है, भाई साहब एक सेल्फी ले रहा है। तो बने रहिए वीडियो में, दिखाते हैं कि गलत पार्किंग कैसा लगता है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से अपन बाहर निकल सकते हैं, जैसे वो सामने वाला रोड दिख रहा है ना, तो उसमें हम बाहर निकल सकते हैं। वो 120 वाला रोड है, हाईवे जो रोड अपन यार बोलते हैं ना, वो हाईवे रोड है वो, और बगल में ये है। तो गलत गाड़ी पार्किंग कैसे लगता है, यहाँ मेन बात है कि यह एक जो एक नंबर ये गेट है, ये पास में पड़ता है, जो पार्किंग दिख रहा है ये पास में पड़ता है एक नंबर गेट के पास। तो इस वजह से सऊदी जो होते हैं और जो ड्राइवर होते हैं, यहीं घूमते रहते हैं, इतने दूरिया में घूमते रहते हैं। पार्किंग पास में लग जाएगा तो मैडम फ़ोन करे तो आदमी जल्दी चल जाएगा एक नंबर गेट पे। इस वजह से यहाँ पार्किंग पास में लगाने की कोशिश करते हैं ड्राइवर, चाहे वो सऊदी भी घूमते रहते हैं। तो पार्किंग ना मिलने की वजह से ये गलत पार्किंग लगा देते हैं और चालान आ जाता है। तो चालान यहाँ एक बार मतलब गलत पार्किंग लगाते हैं तो चालान आपका 200 250 ऐसे अभी बढ़ गया है, पहले 150 था। तो इंडियन मान लीजिए अगर 5000 रुपया लगभग आ जाएगा आपका पार्किंग का। तो मैं अभी आ गया एक नंबर गेट पे, ठीक है, अभी एक नंबर गेट पे आया। देखो ये इनको, तो एक नंबर गेट पे आ गया, तो एक नंबर गेट का ऐसा नज़ारा है। तो इसीलिए जो ड्राइवर होते हैं ना, ये इधर ही घूमते रहते हैं कि हाँ जल्दी मैं पहुँच यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैडम नहीं गुस्सा होगी ना। एक नंबर गेट है, समझे? मोबाइल चला रहे बैठ कर बैठ कर, तो कुछ नज़ारा ऐसे दिखेगा एक नंबर गेट का, और लिखा है बहुत लव यू, लिखा भी है लव यू, समझे? इसीलिए देखिए, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये पार्किंग है एक नंबर गेट का, एक नंबर गेट का पार्किंग है ये। अब यहीं घूमते रहते हैं, इसी के अंदर घूमते रहता है लोग सब। अब यहीं कुछ देर के बाद मैं दिखाता हूँ, कुछ आगे बढ़िए तो दो नंबर गेट आया, मैं दो नंबर गेट पे जा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा भी है, वो आगे बोर्ड पे आपको लिखा भी है, समझे, कि दो नंबर गेट पे आप जाएंगे इस रोड से। तो अभी दिखाता हूँ आपको एक गेट कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ ये सामने, देखिए लिखा है सामने, लिखा है ना गेट, गेट टू, गेट वन, ऐसे सब पे लिखा रहता है आदमी। देखिए वो सामने, देखिए वही तो गेट है दो नंबर, लेकिन इसी में ड्राइवर आगे इतना दूर पर नहीं बढ़ पाते हैं।
ऐसे बोलती है लो भाई, बहुत सारी मैटर ऐसा है कि आपको बोलेगी गाड़ी लगा दे, जहाँ गाड़ी लगा देगा वहाँ वो देख कर जाएगी, अब बहुत सारी वो फिर आ जाएगी वहीं गाड़ी के पास भी, वो आपको नहीं बुलाएगी कि ना आ जा गेट पे, ऐसा कुछ नहीं बुलाएगी। लेकिन कुछ मैडम है लो, ये आपको 2 नंबर गेट है, ये 2 नंबर गेट है, तो कुछ मैडम जो है ना कि वो बोलती है लो कि गेट पर तू लेके आ, तो जो गेट पर ले जाता है ना तो मेन चीज़ है पार्किंग मिलता नहीं है जल्दी, अब पार्किंग मिलेगा तो दूर मिलेगा, जल्दी पहुंच नहीं पाता है इंसान, समझे, तो इस कारण से लेट होता है, तो ये गुस्सा होती है लो। अपना काम से जाएगा लो ना, तो अपना काम से 2 घंटे 4 घंटा कोई बात नहीं, तू इंतजार कर सकता है, अगर उन लोग को वजह से 1 मिनट तुम लेट कर रहे हो, तो ऐसे देखो कुछ काम नहीं है तो ऐसे देखो ये फोन पर बात कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, ऐसे कुछ नज़ारा आपको दिखेगा, और पार्किंग का नज़ारा आपको बहुत सारा है, पार्किंग आप बोल सोचते होंगे लोग पार्किंग नहीं है, नहीं है, लेकिन पार्किंग भी दिखा देते हैं, यहाँ का ड्राइवर ऐसा ही होता है ना, वो भी सुकुवार हो जाता है ना यार, वो भी सोचता है छोड़ कौन घूमता रहेगा दूर उधर जाकर, समझे, कुछ इस तरह से पार्किंग लगता है यहाँ, एक साइज से पार्किंग लगता है भाई, इधर उधर करोगे पार्किंग में तुम्हें चालान कट जाएगा, यहाँ आपको तो आपको पार्किंग दिखा दूँ मैं, पार्किंग किधर है, कितना खाली रहता है, बहुत सारा ड्राइवर सऊदी का है ना, वो पार्किंग ढूंढते ढूंढते वो गलत जगह लगा देते हैं और बस फंस जाता है, चालान कट जाता है, समझे, तो यहाँ भी गेट पे लिखा है, देखिए यहाँ भी गेट पे लिखा है, क्या 2 नंबर गेट से वहाँ जाएंगे, 1 3 नंबर गेट यहाँ जाएंगे, ऐसे सब लिखा रहता है, सब लिखा रहता है यहाँ, देख लीजिए पार्किंग, आपको पार्किंग में दिखा दूँ खाली, क्या 1 मिनट खाली दिखाता हूँ पार्किंग, ये देखिए इधर पार्किंग सब खाली है, आगे मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ ना, चलो मैं चल के चली जाता हूँ, देख लो दिखाई, बहुत सारा पार्किंग खाली है उधर, देखिए खाली है ना, इधर पार्किंग खाली है, इधर लगा सकते हैं गाड़ी, हाँ वो कहाँ जाएंगे पता ना, रोड है कि नहीं है, ऐसे वो भी सोचते रहते हैं, समझे, तो अगर वहीं घूमते रहेंगे ना, गलत जगह पार्किंग लगा देते हैं तो मुखालपा आ जाता है, या मुखालपा बोलते हैं एक्सचेंज, अपने यहाँ चालान बोलेंगे, तो ऐसे लोग क्या कीजिए। आगे सामने जो आपको दिखता होगा, आगे 1 नंबर गेट है, उसने उतने ही अंदर में इतना गाड़ी भरा हुआ है, जो फालतू गाड़ी रहता है ना वो साइड पीछे लगा देते हैं, अब गाड़ी भी निकलना मुश्किल हो जाता है, तो गाड़ी यार मैं तो लगा दिया, अब दिखाते हैं आपको कुछ नज़ारा बाहर से, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितना ठंडा है, अरे यार बहुत ठंडा है भाई, गाड़ी के दिख रहा है, गाड़ी तो भरमार लगा हुआ है भाई, गाड़ी को तो भरमार लगा हुआ है, देखिए मैं पार्किंग लगाया हूँ ना, ठीक ठीक है, फिर भी क्यों ठीक है ना पार्किंग।